हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-23 को लेके। जो आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो 2022-23 का है, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस रहेगी और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे हमारे पास, कॉल भी कर रहे थे, क्योंकि अभी अभी आप 12th पास हुए हैं काफ़ी स्टूडेंट, तो वो कमेंट कर रहे थे कि सर कोई आइडिया बताओ कि बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो कब निकलते हैं और जो तैयारी है वो किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ की लेकर बात करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए, छोटी से छोटी अपडेट आए तो आप तक जरूर पहुंचे। क्योंकि बादल एजुकेशनल गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपके हर एक कमेंट का पिकअप किया जाता है, जिसका सटीक से सही आंसर दिया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, आपका कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, हर साल जो राजस्थान की जो RUHS यूनिवर्सिटी है, RUHS यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, तो वो दोस्तों प्रति ईयर आपका जो है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आपको भी ये बात पता होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा आपको कि ये इसकी फॉर्म है वो कब निकलते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, प्रति ईयर जो इसकी फॉर्म निकलते हैं वो निकलते हैं, इसकी फॉर्म अगस्त के बाद निकलते हैं, ठीक है ना। अगस्त के बाद ये फॉर्म निकलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये अब की बार जो फॉर्म है वो कब निकलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगस्त तक तो निकलेंगे नहीं, अगस्त के बाद में सितंबर में आपके जो फॉर्म है वो फॉर्म निकलेंगे, सितंबर में आपके फॉर्म निकलेंगे। काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बिल्कुल पता नहीं है इसके बारे में, तो आप चिंता ना करो, आपके साथ हमें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता दिए, हम आपको सही से गाइड करेंगे अच्छी तरह। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगस्त मैं फॉर्म निकलना पॉसिबिलिटी नहीं है, आपके फॉर्म निकलेंगे सितंबर में, और सितंबर लास्ट वीक तक आपके जो फॉर्म है वो निकलेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों फॉर्म निकलने के बाद क्या होगा, आपको एक महीना दिया जाएगा किसके लिए, फॉर्म भरने के लिए। अगस्त में सितंबर में आपके फॉर्म निकलेंगे, सितंबर आपका अगर फॉर्म निकलते हैं सितंबर लास्ट में, तो अक्टूबर आपका पूरा चला जाएगा किस में, फॉर्म भरने में, ठीक है ना। अक्टूबर आपका फॉर्म भरने में चला जाएगा, तो नवंबर मध्य नवंबर तक आपकी एग्ज़ाम है जो कंडक्ट कराई जाएगी। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, आपका बीएससी नर्सिंग 2022-23 का जो क्राइटेरिया है वो रहेगा एग्ज़ाम का, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर बेस्ट बुक कौन सी रहेगी हमारा पढ़ने के लिए, बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैं आपको बता दूँ, जब भी आप 12th पास आउट करते हो तो आप एनसीईआरटी सिलेबस, बहुत सी एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ के निकलते हैं, बहुत सी स्टूडेंट अदर सिलेबस पढ़ के निकलते हैं, लेकिन आपका क्या होता है इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी बेसी सिलेबस आता है, सेम एनसीईआरटी आती है आपकी, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी पैटर्न आएगा आपका बिल्कुल 12th क्लास का आएगा, और आपको हम प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, सॉल्व पेपर प्रोवाइड कर देंगे, और आपको बढ़िया अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और आपकी यहाँ आपकी जो क्लासेज हैं वो जल्दी स्टार्ट की जाएंगी हमारे बादल एजुकेशनल ग्रुप प्लेटफॉर्म पे। आपकी जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेज हैं वो जल्दी कंडक्ट कर दी जाएंगी, यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएंगी, जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा उतना जल्दी हम आपको सारी क्लासेज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बस आपको अपनी जो भी तैयारी है वो तैयारी करनी है अच्छे से, क्योंकि ताकि आपको एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। क्योंकि आपको भी पता होगा, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो गई ऑल इंडिया के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो ये बात आपको पता होगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन ले सको। तो अभी तो जो पोर्टल है वो क्लोज हो चुका है, आपका जो आपकी जो काउंसलिंग थी आपकी 2021-22 वाली, वो पोर्टल आपका क्लोज हो चुका है। अब आपका आएगा पोर्टल आएगा 2022-23 वाला ओपन होगा, 22-23 वाला पोर्टल ओपन होगा, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा हम बता देंगे आपको। लेकिन अभी तो आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, अब अपनी तैयारी करिए और एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही आप पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए ताकि वहाँ भी आप अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकें हम आपको वहाँ पर, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उनका हम सॉल्यूशन कर सकें वहाँ पर।
हर प्रकार की हर एक तरह की आपको अपडेट भाई से मिलती है। पहले हम वीडियो बाद में बनाते हैं, पहले अपडेट हम भाई देते हैं आपको। सभी प्रकार की अपडेट हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर देते हैं आप सभी स्टूडेंटों को, तो इसीलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आपका कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। ये तो आपकी प्रोसेस है फॉर्म प्रक्रिया की, वो प्रोसेस की बात हो चुकी है। तो इस प्रकार आपको बस अपनी तैयारी बनाए रखनी है और आपकी क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट कर दी जाएंगी पीसीबी की। तो टेंशन ना लो, आप बने रहिए हमारे साथ बादल एजुकेशनल ग्रुप प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।